ब्लैक कॉफी एक ब्लैक कॉफी है कोई एकदम लाइट नो विदाउट शुगर. हेलो एवरीवन. नमस्ते प्रणाम आ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे हैं आज मैं आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूं और आप लोगों से पूछने भी आई हूं कि क्या ये जायज है सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं मैं कि आ, मेरा एक गाना रिलीज हुआ करीना बलम जी मनमानी जो कि म्यूजिक वाइड पे रिलीज हुआ और मैं काफी दिनों से बहुत सारी चीजें झेलते आ रही हूँ आप लोग भी जानते हैं आप लोग भी वाकिफ इन चीजों से बहुत दिनों से बहुत कुछ होता आया है लेकिन ये आ, पॉसिबल नहीं होता है कि मैं हर दिन लाइव आके आप लोगों से डिस्कस करूं आप लोगों से बताऊं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ ये हो रहा है तो छोटी छोटी चीजें मैं नहीं बता सकती इसलिए लड़ती रहती हूं हर दिन हर दिन कुछ ना कुछ आ, मेरे साथ ऐसा होता है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर पाती पर आज मतलब एकदम ही ज्यादा हद हो गई तो लगा कि नहीं बोलूंगी आप लोगों से तो फिर तो हमेशा मैं ही दोषी होती रहूंगी फिर हमारे जो मेरी जो ऑडियंस है जो लोग आप लोग जितने लोग मुझे पसंद करते हैं जब आप तक ही बात नहीं पहुंचेगी तो फिर मेरे काम करने का कोई मतलब नहीं बनता है सो मैं ये बताना चाहती हूं कि भरत शर्मा जी से लेके जितने लेजेंड सिंगर हैं गायत्री जी इन सबों ने ये मैटर गाया है तो अगर मैंने गा दिया तो मैंने कौन सी बड़ी गलती कर दी गाने का बोल है करीना बलम जी मनमानी अभिलय का बानी सो so, आप सभी जानते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश रहती है तो मैंने सोचा कि कुछ लीक से हटके कुछ काफ़ी टाइम से आप लोग का भी रिक्वेस्ट था कि एक भोजपुरी 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 भी आना चाहिए तो थोड़ा गैप हो गया था हमने ये भी गाया कोशिश की पोस्टर देख के लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा और हमने बहुत मेहनत करके मुशक्कत करके आए दिन खटती हूँ दिन रात एक करके काम करती हूँ बहुत मेहनत करती हूँ फिर मेरे गाने पे रिपोर्ट मारते हैं लोग और जितने मेरे श्रोतागण हैं आप जितने लोग भी हैं मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि क्या ये उचित है मेरे गाने पे आप रिपोर्ट मार रहे हैं और आज से नहीं बहुत समय से जब भी मैं गाना गाऊंगी तब अपना ग्रुप तैयार करके ये लोग रिपोर्ट मरवाते हैं आई रियली डोंट नो अबाउट इट कि क्यों करते हैं ऐसा ना आपसे कोई मेहनत कोई आ, आ, मांगने जाता है ना आपसे कोई कुछ कहने जाता है फिर आप क्यों पीछे पड़े हो आप सभी लोग एक ग्रुप बना के आप लोग क्या करते हैं हम भी एक कलाकार हैं आप भी कलाकार हैं मेहनत करके आगे बढ़ो ना आप लोग यार आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि सारे मतलब ये पूरे मर्द ग्रुप सिर्फ मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं मेरे पीछे पड़ने का क्या कारण है मेहनत करके आगे बढ़िए ना अपना व्यूज बढ़ाइए ना सबसे पहले तो ये गाना रोकने के लिए बात करते हैं हर जगह यू मस्ट बी नोइंग मैंने पहले भी बोला है इस बारे में उसके बाद मैंने बोला कि भैया मैं अपना चैनल बनाती हूं वहां मेहनत कर करके गाना डालूंगी और जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं वो लोग जाहिर सी बात है जो मेरे श्रोतागण हैं जो मुझे प्यार करते हैं वो लोग मुझे फॉलो करेंगे ही करेंगे तब मैंने वहां शुरू किया तो धीरे धीरे करके आए दिन मेहनत करके ही कुछ कर पाता है आदमी उसके बाद आप रिपोर्ट मार रहे हैं मेरे पास प्रूफ है इस चीज का आई शो यू वेट इसमें प्रूफ ये है कि ये लोग किस तरीके से रिपोर्ट मारते हैं और सिर्फ मेरे साथ नहीं आई एम श्योर कि यहां और भी जितने कलाकार होंगे उनके साथ भी होता होगा उन लोगों को भी करते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मेहनत से आगे बढ़ना चाहता है जिसके जो किस्मत में है वो आता है तो उनको करने दीजिए आप अपना काम करिए आप अपना काम करके आगे बढ़िए अब किसी से क्या लेना देना है व्यू नहीं आगे जाए रोक दो ऐसा नहीं हो रोक दो कंपनी में गाना नहीं जाए रोक दो कहां, कहां रोकोगे यार मैं नहीं मरने वाली नहीं हूं मैं वैसी नहीं हूं कि मैं तुरंत सुसाइड कर लूंगी इन चीजों से तकलीफ में जरूर आऊंगी लेकिन मैं बताऊंगी सबको हद हो गई है उस गाने को आप देखें जिन्होंने नहीं देखा है आप जरूर उस गाने को देखें और मैं अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं उनसे मैं जानना चाहती हूं कि आप अपने कमेंट्स के जरिए मुझे जरूर बताइए कि उस गाने में ऐसा क्या दिख गया कि इतना ज्यादा रिपोर्ट मारा गया मेरे से गंदे गंदे लोग गाने गाते हैं मैं तो कभी नहीं जाती हूं मैं कभी नहीं बोलने जाती हूं और सिर्फ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब छिया लेदर क्यों होता है यार और भी इंडस्ट्रीज हैं पंजाबी इंडस्ट्री है बॉलीवुड है और भी साउथ की इंडस्ट्री है कोई भी उसमें इतना छिया लेदर ना चीपनेस इतना ज्यादा नहीं करता है कि एक दूसरे के पीछे पड़े रहो इसको ब्लॉक मार दो उसको रिपोर्ट मार दो उसका गाना आगे नहीं जाना चाहिए वो आगे कलाकार नहीं जाना चाहिए वॉट इज दिस कहां, कहां से रास्ता रोकेंगे आप किधर किधर से रोकेंगे आप? वातिका जी एक सेकंड बता रही हूं रिपोर्ट मारने का वीडियो है मेरे पास और जिन्होंने भेजा उन्होंने ये बोला कि हैथस ऑफ है आपको आप बहुत मेहनत करते हो और आपके साथ क्या क्या लॉबी और क्या क्या गेम करते हैं लोग एक ग्रुप बना के फिर भी टिके हो मैं टिकी नहीं मैं जो भी कर पा रही हूं जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल मैं आपके लिए ही आए दिन मेहनत कर रही हूं आए दिन जो भी कर रही हूं जो भी कर पा रही हूं जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर इसका मतलब ये नहीं होता है मुझे ना तो नाटक करने आता है अरे सामने में अरे हमारे श्रोतागण प्रणाम बा पीठ पीछे कुछ और बोल दिया नकली नाटक मुझसे होता ही नहीं है जो मैं हूं वो सामने हूं करके रखती है जो मुझे पसंद करते हैं वो पसंद करेंगे चाहे मैं जहां पे भी जाऊं जहां भी काम करूं आप नहीं रोक सकते अपना काम करिए अगर आप बहुत बड़ा नाम है आपका इसको ओपन कर देना प्लीज आपका बहुत बड़ा नाम है तो आप अपना नाम करिए काम करके दर्शकों को नकली नाटक एक पर्दा लगा के ना चेहरे पे मुखौटा लगा के घूमते हैं आप लोग रियल बनिए फेक मत बनिए ये देखिए रिपोर्ट ये आप लोगों के सामने म्यूजिक वाइट पर रिलीज हुआ था देखते जाइएगा कम से कम 800 रिपोर्ट मारा है सबने मिलके रियली really don't फील लाइक like crying इन फ्रंट ऑफ you all. आई डोंट वॉन्ट टू क्राई So सॉरी <laughs> तो ये लगातार ये सारे लोग रिपोर्ट मार रहे हैं। क्यों आप में दम नहीं है क्या आप में दम नहीं है क्या सामने आने की ये सारे लोग ना ये जो आप कर रहे हैं ये एक आदमी नहीं कर सकता है बुजदिल लोग कर सकते हैं जो एक दूसरे को दबाना चाहते हैं ना वो लोग कर सकते हैं पर आपकी नीयत पे जो है वो सामने आएगा ही आपकी जो नियत है वो आपके सामने आएगा मेरी जो नियत है वो मेरे साथ ही रहेगी क्योंकि मैंने आज तक किसी का पूरा नहीं किया मेरा हर किसी ने नाम बदनाम किया लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया ये मैंने गलती की आप लोगों की नजर में ये मैंने गलती की लेकिन मुझे लगता है मैंने गलत नहीं किया कभी कोई गाना गा रहा है कभी कोई कुछ कर रहा है मैंने कभी नहीं बोला आप लोगों को और आप लोगों का भी हक नहीं बनता है इस तरीके से किसी को रोकने का नहीं रोकूंगी मैं कर लो जिसको जो करना है और आप लोग भी जानते हैं ये जो ऐसे ऐसे जो चलता है ना वो में से नहीं हूं मैं वैसी लड़कियों में से नहीं हूं मैं और समझना भी नहीं मैं ऐसी ही रहूंगी कुछ भी कर लो आप लोग जब तक लोग मुझे प्यार कर रहे हैं मैं ऐसी खड़ी रहूंगी देखती हूँ कितना रिपोर्ट मारते हैं आप लोग बस यही मैं शेयर करना चाह रही थी आप लोगों से कि आए दिन बहुत समय से बहुत कुछ हुआ है वो सब आप लोगों के सामने है ऐसा कुछ नहीं है मैंने कुछ छुपाया नहीं क्योंकि मुझे पता है कि यहां पे जितना छुप रहोगे ना उतना लोग दबाएंगे और आपको गलत साबित कर देंगे सबके नजर में हर दिन जिस भी चैनल से जाएगा अच्छा अच्छा व्यू आ जाएगा उसको रिपोर्ट मार देना है आए दिन गंदे कमेंट्स करा देने हैं क्यों मैं तो चुपचाप दिन रात अपने काम में लगी हूं कि कुछ कुछ नया क्या कर पाऊं आए दिन सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स को सबको कॉल कर करके बोलती रहती हूं कुछ नया करते हैं कुछ नया करते आपके घर में भी ईश्वर ने लड़की दिया है मुझे लगता है शर्म करनी चाहिए आप लोगों को करना ही ये तो ना इंडस्ट्री के लड़कों से करो जो आप लोग से ज्यादा ऊपर चले जा रहे हैं उन लोगों से करो ना किसी से बस बस नहीं चल पा रहा है और उन लोगों से भी करते होंगे उन लोगों को भी करते होगे एक्सप्लॉइट कहीं से बस नहीं चल पा रहा है तो मैं ही मिल गई कैसे चल रही है ऊपर कैसे हो जा रही है पूरा टीम बैठा के एक गेम करो दिन रात बात करो कॉन्फ्रेंस पे किसको गिराना है किसको उठाना है हद ही हो गई कुछ लोग पूछ रहे हैं मुझसे कि मुझे प्रॉब्लम क्या है मुझे प्रॉब्लम किसी से नहीं है मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है मुझे सिर्फ अपना काम करना है मुझे मेहनत करना है अपने दर्शकों के लिए अपने फॉलोअर्स के लिए जो लोग मुझे प्यार करते हैं उनके लिए उन लड़कियों के लिए जिनके लिए मैं इंस्पिरेशन के रूप में हूं उनके लिए मैं मेहनत करना चाहती हूँ और वो भी ऑनेस्टी के साथ ना तो मैं पैसा फेंक के व्यू चाहती हूँ ना तो मुझे बहुत सारा व्यूज चाहिए कि मेरा गाना 200 मिलियन 100 मिलियन हो जाए मैं नहीं चाहती हूँ ये सब ये सब बिल्कुल मेरा मोटो नहीं है मेरा सिर्फ मेरे जो चंद फॉलोअर्स हैं जितने मेरे श्रोता हैं जितने मेरे दर्शक हैं उनको एंटरटेन करना इज माई मोटो उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कोई एक कोई एक चैनल वाला अगर मेरा गाना लेता है जहां आपका दबाव चलता है वहां आप लोग मिलकर डोमिनेट करते हैं इसका गाना नहीं आना चाहिए और जब गाना रिलीज हो जाता है तो सब कोई मिलकर रिपोर्ट पे रिपोर्ट मारते हैं हम भी कलाकार हैं आप भी कलाकार हैं हर कोई कलाकार है और हर किसी को अपना अपना काम करने का हक है फिर पीछे क्यों पड़े हो जिनमें दम नहीं होता है वो ऐसे ही पीछे पीछे आते हैं गाना रुकवाते हैं रिपोर्ट मारते हैं पर ऐसे गोल है दुनिया गोल आप जो करोगे ना इट विल कम बैक टू यू आएगा वो वापस आएगा और आ रहा है ये आप भी जानते हैं आ रहा है वापस घूम के दूसरे को इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए इतना ज्यादा नहीं किया जाए कि कोई कदम गलत उठे इट्स अ रिक्वेस्ट और मुझे जब जब भी कुछ होगा मुझे पता है मन में ऐसा लगता होगा कि बात बात पे क्या लाइव आएगी चुप चुप बैठ के इज्जत के मारे डर से चुप हो जाएगी लड़की है ना कोई काम नहीं दे रहा है या ज्यादा काम नहीं उस तरीके से कर पा रही थी तो वैसे ही रह जाएगी तो जैसे ही गाना आया तो एक प्रॉब्लम हो गई कि कैसे काम कर लिया और उस चैनल पे अगर गाना इसका पसंद करेंगे लोग तो वो प्रॉब्लम हो जाती इसलिए रिपोर्ट पे रिपोर्ट मारा गया आए दिन आप सभी लोगों से मैं बताना चाहती हूं आए दिन इस तरीके की चीजें होती हैं पर मैं चुप रहती हूं मेरे भी चैनल पे लोग करते हैं फिर भी मैं चुप रहती हूं पर बस हो गया अब नहीं चुप रहना चाहती अब मैं एक एक चीज बताऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काम करो तो एक नाम जोड़ देते कुछ करो तो ब्लॉक मार देंगे कुछ करो तो रिपोर्ट करवा देंगे तो कितने दिन मैं भी सहूंगी आप लोगों को भी तो पता रहना चाहिए कि क्या हो रहा है एक्चुअल में जो मैं झेल रही हूं बाकी जितने भी हैं जितने छोटे छोटे कलाकार भी हैं जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके साथ भी इन, इस, इस तरीके की चीजें होती हैं पर मेरे साथ तो अलग ही मैटर है वो तो सब जानते हैं सभी जानते हैं इसलिए ये ग्रुप बना के किसी को नीचा गिराना रिपोर्ट मारना ये सब करना बंद करिए क्योंकि इसके पीछे भी लॉ जो है लॉ का रूल जरूर पढ़िएगा लॉ में लिखा है कि हर एक नागरिक स्वतंत्र है तो इसके ऊपर भी स्टेप उठाया जाएगा और स्टेप उठाया जाएगा जितने भी लोग नेगेटिव uh, कमेंट्स करते हैं या कुछ भी करते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार हम हम गाली दे देंगे या हम नेगेटिव बोल देंगे तो ये डेमोलाइज हो जाएगी हमने बोल दिया खत्म हो गई बात खत्म नहीं होती है अब अब नहीं होती है जरा पता करिए गूगल पे जाके साइबर क्राइम पता करिए अगर आप कुछ नेगेटिव लिखते भी हैं तो आप तुरंत में आएंगे सामने बस इतना ही कहना चाहती हूं बाकी जो जैसा कर रहा है वो सामने आना ही है मैं कल भी बोला था आज भी बोल रही हूं आगे भी यही बोलूंगी कि जो जैसा करता है उसके सामने आना है और वो दुनिया को पता चलेगा दुनिया को पता चलेगा वो भी आएगा सामने बस आप लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना आशीर्वाद और हिम्मत मुझे देते रहें उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं भी बिहार की बेटी हूं मैं भी यूपी की बेटी हूं मैं भी इसी भारत की बेटी हूं ऐसी ही लड़ती रहूंगी ऐसी ही डटी रहूंगी जिसको जो करना है कर ले और ये मन में कहीं से भी नहीं आना चाहिए कि गिर के गिड़गिड़ा के रोड पे आ जाएगी तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा नहीं ये भ्रम हटा लेना आप सभी लोग मन से गिर जरूर जाएगी लेकिन हिम्मत नहीं हारेगी नहीं हारेगी थैंक यू वेरी मच मुझे सिर्फ यही बताना था और मैंने बता लिया क्योंकि मेरे श्रोतागण को जानना ये बहुत जरूरी था थैंक यू प्रणाम एम सो सॉरी फॉर दैट कान पकड़ की सॉरी जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए कि वो मुझे रोता नहीं देखना चाहते हैं पर हो नहीं पाया कंट्रोल नहीं हो पाया माफी दे दीजिएगा सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी